नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल की आज कहानी वाचन में आपका स्वागत है। आज मैं एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। कहानी का शीर्षक है दूसरों के पीछे ना भागे। जी हाँ, हम देखते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति दूसरे अपना काम करते हैं, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनके पीछे हम भागते रहते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, अपने काम को पूर्ण नहीं करते हैं। वो जैसा करना चाहते हैं वैसे हम भी करना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक सुंदर सी कहानी। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं कामयाब नहीं हूँ। ऐसा स्वामी जी से वह युवक कहने लगा। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हांफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? स्वामी जी उस नवयुवक को बोलते हैं। युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। वह युवक स्वामी जी को बताते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ के अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो, हर कार्य में असफल हो जाते हो। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, उसमें असफलता हाथ लगती है। तुम अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर की बातों में ध्यान देते हो। ऐसी सारी बातें वह नवयुवक जब सुना स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, तो उनकी बातें सुनकर वह संतुष्ट हो गया और अपनी गलतियों को सुधारने में लग गया, गलतियां सुधार कर परिश्रम करने में लग गया, मेहनत करने लग गया, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनेकों प्रयास करने में लग गया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको नहीं लगता कि आज हम भी इसी कहानी के वह कुत्ते के बच्चे जो दूसरे जानवरों के पीछे दौड़ रहे थे और थक गए थे, वैसे ही हम थके जा रहे हैं,
दूसरों का पीछा करने में लगे हुए हैं, दूसरे के कार्य को देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य निर्धारित करना है उस राह पे हम नहीं जाते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान भटकता है। आपका मित्र यदि फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं। आपका मित्र यदि इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, तो आप भी वही पढ़ना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी रुचि हो या ना हो। फिर भी आपका मित्र, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग जैसा करना चाहते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे कौशल है, हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, सोच है, तर्क करने की शक्ति है, ये सब हम खो देते हैं दूसरों को देखकर और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरों के पीछे ना भागें। दूसरों के पीछे जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही ना हो। हमारा अपना लक्ष्य निर्धारित हो, हम अपने लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरी लगन से जुड़ जाए, तभी तो जीवन में सफलता मिलेगी, तभी तो हम एक सफल इंसान कहलाएंगे, सफल इंसान बनेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सुंदर सी कहानी के पीछे छिपे उद्देश्य कि हम अपने लक्ष्य स्वयं बनाएं, मेहनत करें और आगे बढ़ते चले जाएं, इनको आपने ग्रहण किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सुना। अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।